भैया देखो यहाँ पे क्या नीलामी हो रही थी, हम नगरे से आए हैं, हम उनके पड़ोसी हैं, हम चाहते हैं कि नीलामी प्रमोद गुप्ता जी के, विजय गुप्ता जी के, हम चाहते हैं कि नीलामी रुक जाए, क्योंकि अगर जो पैसा ये बैंक तो लेके जाएगी चलो ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे। आपने किस चीज के पैसे दिए थे? हमने सोसाइटी के पैसे जमा कराते थे। कितने लोग थे, कितने जने? भैया कम से कम 500 लोग हैं, उनका कम से कम 1.5 करोड़ का पैसा है। तो वो खुद कह रहे हैं हम मिलके आए हैं, तो उन्होंने कहा उन्होंने कि हम मैं बाहर आऊँगा तो मैं पैसे दे दूंगा, तब वो खुद आए उनके सामने बिक जाए हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको पता है भाई उसकी कितनी वैल्यू है कितनी नहीं है, वो जानते हैं चीज़ को, हम नहीं जानते, हम लोग इतने पढ़े लिखे थोड़ी भी हैं। और नीलामी हो जाती है और पैसा नहीं मिला तो आपको क्या करोगे? भैया पैसा नहीं मिलेगा तो भी हम उनके साथ हैं, और मिलेगा तो भी उनके साथ ही, हम चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए और हमारा साथ, उनके हमारी कोशिश यही है कि वो जल्दी से जल्द बाहर आए और हम लोगों के साथ रहे और पैसा दे, हम चाहते हैं उस दुकान खोले और दुकान पे बैठे वापस दुकान चलाए उसकी। आपका नाम? मेरा नाम रेनू है। आज हम सभी क्षेत्रवासी और सभी जो माताएं बहनें जो पीड़ित है वो सभी आज गुप्ता पैकेजिंग पर्वतपुरा पर फैक्ट्री पर पहुंचे। यहां पर हमें सूचना मिली कि बैंक जो है आदर्श कोऑपरेटिव बैंक गुप्ता पैकेजिंग की नीलामी कर रहा है, तो हमारी सभी माताएं बहनें और सभी लोग जो पीड़ित थे वो सभी परेशान हो गए कि इस तरह से अगर बैंक नीलामी कर देगा तो इन माताओं बहनों का जो गरीब लोगों का जो पैसा है वो किस तरह से वसूला जाएगा। जबकि कई माताओं बहनों ने बताया कि जिस तरह से जब वो जेल में उनको डाला गया था तब उन्होंने कहा था कि मैं सबका एक एक पैसा सबका चुकाऊंगा, उनका कहना यही था कि जैसे ही मैं बाहर आ जाऊंगा मैं अपनी जो भी संपत्ति है उसको बेचकर चाहे कैसे भी कुछ भी करना पड़े मैं गरीब लोगों के और सभी लोगों के पैसे वापस चुकाऊंगा। तो आज ये जब सूचना हमको मिली तो हम यहाँ पर पहुँचे, सभी बड़ी संख्या में माताएँ बहनें हम लोग सब यहाँ आकर हमने देखा तो बैंक यहाँ पर नीलामी कर रहा था। बैंक का करीब करीब 60 से 65 लाख रुपये करीब बैंक का बकाया है। अब अगर बैंक इस फैक्ट्री को नीलाम कर देगा, इसके अंदर जो संसाधन है मशीनरी है उसको नीलाम कर देगा और ख़ुद का पैसा वसूल लेगा, तो ये जो आम जनता थी जिन्होंने अपनी आजीविका में से एक एक दो दो रुपए जोड़ जोड़ कर जो ये पैसा बचाया है और बचाकर वो जमा कराया वो किस तरह से वसूल करेंगे। इस वजह से आज यहाँ पर किस चीज़ के पैसे दिए थे? गुप्ता जी हमारे पड़ोस में ही निवास करते थे और वो काफ़ी समय से बीसी जो कंपनियां होती है सोसाइटी चलाने का काम वो करते थे और आम गरीब परिवारों के पैसे उनके पास जमा होते थे, उस जमा पैसे के लालच कुछ रुपए वो ब्याज के रूप में लोगों को देते थे, उस ब्याज के लालच में जो कम पढ़े लिखे लोग थे जो कुछ अपना जो जीविका में से बचत करते थे उस बचत को उनके पास जमा कराते थे। कितना पैसा दिया पब्लिक ने? कितने लोग? करीब करीब लोगों का 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए के करीब पैसा है, बाकी 1.5 करोड़ रुपए के लाभ करीब पैसा है। और वो गुप्ता जी जब हमसे मिले थे जब उनको जेल में डाल रहे थे तो पुलिस ने उनसे हमारी रूबरू कराया था, तब उन्होंने हमें सबको ये आश्वस्त किया था। नीलामी कर देते तो उनका पैसा कैसे मिलेगा? अगर आज बैंक, हम तो पहले तो यही चाहते हैं, हम ये कोशिश यही कर रहे हैं, आज हम सुबह से यहीं पर मौजूद हैं और शाम तक हम मौजूद रहेंगे जब तक इसकी नीलामी नहीं हो जाती, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस फैक्ट्री को नीलाम नहीं होने देंगे, क्योंकि गुप्ता खुद जब वो गुप्ता जी बाहर आएंगे वो ही अपनी चीज़ को बेचेंगे और उससे हम आम लोगों का पैसा देंगे, इसीलिए हम यहाँ रुके हुए हैं। आज जो भी काम होगा सामने, ईश्वर राजौरिया ने आज गुप्ता पैकेजिंग जो सास सेंदड़िया स्थित पर्वतपुरा में है रिको एक्सटेंशन में, उनके स्टॉक मशीनरी और उपकरण की नीलामी रखी थी जो बैंक द्वारा फाइनेंस है और हमारा पैसा उनमें बाकी है। कितना पैसा बाकी था ये हम अभी आपको बता नहीं सकते, लगभग कितना होगा? करीब होगा 65 से 70 लाख के करीब कुल हमारे बाकी है। जो मालिक है उसका नाम क्या है? विजय गुप्ता है। वो भी है कहाँ? वो फरार हैं, जैसे अखबारों में प्रकाशित हुआ है और हमने संपर्क करने की कोशिश की तो संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो होगी नीलामी? नीलामी अब 4 बजे तक है, अब जो भी 4 बजे तक आ सकता है तो उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। मिनिमम बोली हमने 42 लाख रुपए रखी है, जिसमें प्लांट मशीन उसमें स्टॉक जो इनका व्यापार का स्टॉक है, मशीनरी है, जनरेटर है और जो अन्य उपकरण जो रखे हैं करीब 19 मशीनरी है। सर आप एक चीज़ बोल रहे हैं फरार है, लेकिन फरार नहीं, सेंट्रल जेल में बंद है, ये चीज़ बोलिए आप, फरार नहीं बोल सकते आप। सर आपका नाम? सेंट्रल बंद 92692। आपका नाम? नाम लक्ष्मी नारायण मोदी। ठीक, क्या हो? मैं शाखा प्रबंधक अधिकारी और रिसीवर कोर्ट द्वारा। ठीक।